हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, एक नया फार्मूला सीखेंगे जिसे बोलते हैं ट्रिम। ट्रिम का यूज़ कैसे होता है, जैसे कि आप देख रहे हो कि ट्रिम जो होता है वो रिमूव करता है एक्सेस स्पेस को। फॉर एग्जांपल, यहाँ मैंने लिखा हुआ दीपक गगरानी माहेश्वरी, ये अलग अलग कॉलम्स में है, बट अगर आपने यहाँ पर लिखा होता है कि दीपक गगरानी माहेश्वरी देन स्पेस होता, और जो स्पेस होता वो आप देखेंगे कि दीपक और गगरानी और माहेश्वरी के बीच में बहुत सारा स्पेस है। अब हम इस स्पेस को कैसे ट्रिम करेंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। साथ ही इसके साथ मैं एक और एक फार्मूला बताऊँगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि स्पेस है या नहीं, वो आपको पता कर पाएंगे। जैसे कि अब अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे ट्रिम। ट्रिम क्या करता है कि अननेसेसरी जो स्पेस होती है उसे निकाल देता है। अब हमने ट्रिम लिखा और ब्रैकेट ओपन किया, और हम वो सेल पे गए जहाँ पे आपका डाटा रखा हुआ है। हमने इंटर मारा उस ट्रिम फार्मूले ने क्या किया, ट्रिम फार्मूले ने आपके सारे जो स्पेस थे बीच के वो सब निकाल दिए। अच्छा, अब आप देखेंगे कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, ये तो क्या हो गया कि आपके ट्रिम से सारा स्पेस निकल गया। जस्ट लाइक जैसे भी हम अन हमारे बाल शरीर के जब बाल बढ़ जाते हैं, हेयर बढ़ जाते हैं हमारे सिर के, तो हम उसके पास बार्बर के पास जाते हैं और वो एक्स्ट्रा बाल निकाल देता है, उसी तरह ये हुआ। बट आपको पता कैसे चलेगा, इसके लिए एक और मैं फार्मूला हूँ बताना चाहता हूँ कि इसमें स्पेस को कैसे काउंट कर सकते हैं। उसके लिए एक फार्मूला है लेन। जब लेन फार्मूला को आप यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे बताएगा कि इसमें 24 कैरेक्टर है। बट क्या 24 कैरेक्टर है, यहाँ पे तो दीपक है और दीपक में टोटल 6 कैरेक्टर न्यू अल्फाबेटिक्स ही लिखे हुए हैं सिर्फ। तो अब इसमें है क्या, इसमें बहुत सारा स्पेस है। अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे आपकी इसमें कर्सर कहाँ है, देखिए तो इसमें बहुत स्पेस है। अब हम स्पेस को भी रिमूव करना है, तो जस्ट लाइक हम फिर ट्रिम लिखेंगे देन इंटर मारेंगे और क्या हो गया, फिर अब अगेन हम वापस लेंथ से काउंट करके देखेंगे, लेंथ से देखेंगे कि इसमें कितने हैं, तो देखिए 6 है। दोस्तों यही मेरे को आपको बताना था कि आप इससे बहुत सारी बार क्या होता है, हम लूप का फार्मूलाज और ये यूज़ करते हैं तो स्पेस के कारण भी वो डाटा कैप्चर नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले आप वो फार्मूला लगाने से पहले वो लूप का, चाहे लूकअप हो या एच लूकअप हो, वी लूकअप हो, या कोई भी फार्मूला हो जहाँ पर करेक्टर टू करेक्टर मैच होता है, उसके लिए आपको ये ज़रूर करना होगा, तो ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।